और क्या महाराज जी, आपने बताया कि अगर कोई सांसारिक कामना के साथ भगवान के पास जाए तो वो गारंटी से नास्तिक बन जाएगा, पर ये भी बताया गया है अकाम सर्व काम हुआ, किसी भी कामना के साथ आप भगवान के पास जाओ। और फिर भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम, के ये चार प्रकार के व्यक्ति मेरे पास आते हैं तो वो सब अंत में भक्ति बन जाते। चतुर्विधा भजन्ते माम, जो भक्त होते हैं, केवल मांगने वाला नहीं, केवल जो कामना लेके जाता है और प्रारब्ध से इच्छा पूरी हो गई और समझता है कि ये भगवान ने कृपा की, तो कल फिर कामना लेके गया उसी मंदिर में उसी भगवान के पास और हमारा बेटा मर गया, बाप मर गया, तो नष्ट हो जाएगा। अरे भजन्ते जो है ये तो भक्त है, जैसे ज्ञानी भक्त है वैसे आर्त भक्त है। तो जब भक्त हो गया तो जो भी कामना करेगा भगवान तो कहेंगे बड़ा अच्छा है, ले लो हमको छुट्टी दो। तो कामना जो प्रारंभ करेगा संसार में पहले पहलो भक्त तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए निषेध किया है मैंने कि कामना लेके ईश्वर भक्ति का प्रारंभ न करो। भक्त बन जाने के बाद अगर ये मूर्खता करना है तो करो। तब भी मूर्खता है, लेकिन उसके पहले तो ऐसी बात है, सड़क पे हम जा रहे हैं और एक कार वाला जा रहा है, ए रोको, भला आदमी रोक दिया, क्या बात है, हमको जाना है यहाँ से लालगंज, तो गाड़ी इधर घुमाओ। तो ड्राइवर से कहता है चलो जान न पहचान इनको लालगंज पहुंचाओ। जब दुनिया में ऐसा नहीं होता, जब तुम्हारी मुख पर मुसीबत आई तो तुमने कहा हे भगवान, जैसे वो तुम्हारा सर्वेंट थे तुमने आर्डर दे दिया, हे भगवान ऐसा है कि मेरा बेटा मर रहा है तो जरा उसको ऐसा करो, तू जो लिखा हुआ है ना पहले उस पर लाल स्याही चढ़ा दो। ये सकामता जो है ये नास्तिक बना देगी चैलेंज के साथ।